Hey, what's up everyone, this is Officious and you're watching Officious Army. Guys, आ चुके एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो के साथ, और इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं PUBG मोबाइल इंडिया के लॉन्चिंग डेट के बारे में, कि गाइज वो क्यों डिले हो रहा है इतना ज़्यादा, अभी भी क्यों डिले हो रहा है, और गाइज 25 दिसंबर को क्या आने वाला है। तो भाई सब कुछ आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन गाइज उससे पहले आप लोग मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो भाई जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और गाइज यार, या तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो ना भाई लोग, तो प्लीज़ यार आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइज आप लोगों को यहाँ पे डेली वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो भाई जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जहाँ तक हो सके ना भाई वहाँ तक वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई लोग, मैं आप लोगों को बता दूं कि PUBG मोबाइल एंड PUBG मोबाइल लाइट को बैन हुए यहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं धीरे धीरे, और गाइज यहाँ पे सारे प्रोसेस से, यानी कि सारे प्रोसीजर खत्म करने के बाद PUBG कॉरपोरेशन MEITY से यहाँ पे कंफर्मेशन चाहता है, यानी कि गाइज एक वेरीफाइड मीटिंग जिसको बोलते हैं भाई, वो चाहता है ताकि गाइज इन फ्यूचर PUBG मोबाइल इंडिया को और गाइज PUBG मोबाइल लाइट इंडिया को कोई और प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े इस बैन वैन से रिलेटेड, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे PUBG कॉरपोरेशन जो यहाँ पे MEITY से यहाँ पे कंफर्मेशन जाता है, लेकिन गाइज अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं जा रहा है, यानी कि गाइज वो कोई भी रिप्लाई देना नहीं चाह रहे हैं अभी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मुझे अनऑफिशियल सोर्सेज से कुछ न्यूज मिली है, जो कि गाइज अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे PUBG कॉरपोरेशन गाइस कुछ नया सोच रहा है, कुछ गाइस नया प्लान कर रहा है, और गाइस वो ये है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि दिवाली यानी कि गाइस 13-14 तारीख को PUBG मोबाइल इंडिया ऑफिशियल यानी कि प्ले स्टोर पे लॉन्च होने वाला था, लेकिन गाइस ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस यहाँ पे उन्होंने जितनी भी गाइस यहाँ पे प्लानिंग की होगी भाई, वो तो भाई धरी की धरी रह जाएगी ना। तो ऐसे गाइस यहाँ पे इसलिए वो गाइस यहाँ पे दो प्लान लेकर चल रहा है। पहला तो गाइस ये, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि चाइना में भी जब बैन हुआ था तो भाई उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया था, और गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि PUBG मोबाइल का चाइना में नाम है गेम ऑफ पीस, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे भी कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि भाई अगर नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, तो भाई यहाँ पे जो है कि PUBG मोबाइल का नाम चेंज करके एक न्यू एप्लीकेशन के तरह यहाँ पे PUBG मोबाइल को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ नाम ही चेंज किया जाएगा, यानी कि गाइज गेम का कॉन्सेप्ट पहले जैसा था वैसे ही रहेगा, सिर्फ गाइज यहाँ पे नाम चेंज किया जाएगा, और गाइज एक न्यू एप्लीकेशन के तरह इसको लॉन्च किया जाएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। और गाइज अगर PUBG कॉर्पोरेशन PUBG मोबाइल इंडिया का नाम नहीं चेंज करता है, तब गाइज यहाँ पे वो ऑफिशियल जो उसकी साइट है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि PUBG मोबाइल इंडिया एक साइट बनी हुई है, तो भाई वहाँ पे सबसे पहले गेम को लॉन्च किया जाएगा, फिर गाइज उसके बाद जब सारी जो प्रॉब्लम है वो गाइज यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी, यानी कि गाइज सब वेरीफिकेशन हो जाएगा, तब गाइज यहाँ पे ऑफिशियल प्ले स्टोर पर भी लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई लोग यहाँ पे काफी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे सारे प्रोसेस तो खत्म हो गए हैं PUBG कॉर्पोरेशन की तरफ से, और गाइज यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, यानी कि 2 दिसंबर बीत चुका है, और गाइस यहाँ पे PUBG कॉर्पोरेशन और गाइस क्राफ्टन INC का मर्जर भी हो चुका है, तो भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है PUBG मोबाइल इंडिया को लाने में। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को रियल फैक्ट बता दूँ कि गाइस जैसे और भी एप्स बैन हुए PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट के साथ ही साथ गाइस और भी एप्स बैन हुए थे, तो भाई वो भी एक तरीके से आने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे भाई लोग, आप लोग जैसा कि जानते हो कि PUBG मोबाइल एंड PUBG मोबाइल लाइट को सिक्योरिटी रीजन की वजह से ही बैन किया गया था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं होता है किसी भी जगह पे कि गाइज यहाँ पे किसी कंट्री से बैन किया जा रहा है और गाइज तुरंत ही उसको भी अनबैन कर दिया गया, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं होता है, जितने भी गाइज आप लोगों को पता होंगे कुछ और भी एप्स अभी बैन हुए थे कुछ दिनों पहले, तो भाई उनमें से कुछ ऐसे भी एप्स थे, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसे भी एप्स थे जो कि गाइज पहले बैन हो चुके थे, और गाइज वो बिना किसी रूल्स को ना ही गाइज यहाँ पे किसी की परमिशन के वो भाई फिर से प्ले स्टोर पर रन कर रहे थे आराम से, और गाइज इंडिया पे भी काफी लोगों ने उसको इंस्टॉल कर रखा था, ठीक है। तो गाइज ऐसा नहीं होता है कि किसी ऐप को बैन किया जाए फिर गाइस उसको तुरंत से अनबैन कर दिया जाए, सारे के सारे जो गाइस प्रोसेस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो गाइस गवर्नमेंट पूरा तो करेगा ही, इसलिए गाइस यहाँ पे डिले हो रहा है, ठीक है। हाँ तो गाइस अभी काफी लोग बोलेंगे कि भाई तूने तो यार थंबनेल पे यहाँ पे 25 दिसंबर डाल के रखा हुआ है, तो भाई 25 दिसंबर को क्या आने वाला है। तो भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि मुझे कुछ लीक्स मिले हुए हैं, यानी कि गाइस PUBG मोबाइल ग्लोबल का बात कर रहा हूँ, PUBG मोबाइल ग्लोबल में कुछ क्रेट आने वाले, ठीक है। तो भाई उस पर कुछ आउटफिट है, और गाइस अभी आप लोगों को एक आउटफिट दिखता होगा जो कि गाइस यहाँ पे 24 दिसंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हो सकता है कि गाइज 24 दिसंबर को आ जाए या तो गाइज 25 दिसंबर को आ जाए, जैसे कि गाइज मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ गाइज प्लान करके चल रहा है PUBG कॉर्पोरेशन, यानी कि गाइज हो सकता है कि नाम चेंज करके यहाँ पे 25 दिसंबर को लॉन्च करे, या तो गाइज कुछ और भी जैसे कि साइट पे आ सकता है गेम, तो गाइज हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद यानी कि गाइज 1 हफ्ते के बाद हमें यानी कि 25 दिसंबर को कुछ नया देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइज जैसे कि हमारे यहाँ दिवाली रहता है एक इंपॉर्टेंट और भाई
सबसे मतलब कि फेवरेट फेस्टिवल रहता है। वैसे गाइस और भी कंट्रीज में यहाँ पे क्रिसमस आता है, ठीक है। तो गाइस हो सकता है कि वो उन लोग सोच रहे हो कि भाई क्रिसमस पे लॉन्च कर दिया जाए, ठीक है। तो गाइस ये मैं सिर्फ एक प्रिडिक्शन बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि भाई 25 या 24 दिसंबर को ही आ जाएगा, लेकिन गाइस ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई लोग, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि भाई दिवाली पे तो हमें कोई भी गिफ्ट यानी कि पबजी मोबाइल इंडिया देखने को नहीं मिला, लेकिन गाइस हो सकता है कि यहाँ पे क्रिसमस पे हमें देखने को मिल जाए। यानी कि गाइस जैसे कि आप सब लोग जानते हो भाई सेंटा आते हैं गिफ्ट देके जाते हैं, तो भाई हो सकता है कि भाई इस बार हमें रियल का गिफ्ट मिल जाए यानी कि पबजी मोबाइल इंडिया मिल जाए। और गाइस आप लोग भी मुझे गिफ्ट दे सकते हो, जी हाँ आप लोग भी मुझे गिफ्ट दे सकते हो। वो गाइस ये कि जितने भी लोग देख रहे हो भाई सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और मेरे भाई लाइक नहीं किया वीडियो को तो भाई फटाफट से वीडियो को कर देना लाइक, और गाइस जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर भी कर सकते हो तो कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना भाई, हैप्पी क्रिसमस लिख देना, पबजी मोबाइल इंडिया लिख देना, जो लिखना हो भाई लिख देना। तो गाइस हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।